पॉपुलर यूट्यूबर अरमान मलिक ने अपनी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका मलिक के साथ रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 में नजर आ रहे हैं। बता दें कि शो में अरमान अपने रिश्ते को लेकर हर किसी के निशाने पर बने हुए हैं। वहीं हाल ही में बिग बॉस के घर में सना मकबूल ने कृतिक और अरमान की शादी के बारे में जानने के बाद पायल से उनके रिएक्शन के बारे में पूछा तो पायल ने कहा कि शुरुआत में मुझे एहसास नहीं हुआ था कि वास्तव में यह हुआ था। कृतिका बातचीत में शामिल होती हैं और कहती हैं कि अगर मैं पायल की जगह होती ना तो मुझे भी बुरा लगता। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं आप सभी यहाँ बैठे हैं। कृतिका ने अरमान मलिक से शादी के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि शुरुआत में पायल ने हमारे रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश की। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक छोटी सी फैमिली को बर्बाद कर दिया। पायल आगे कहती है कि उस समय मेरी और उसकी ऐसी दुश्मनी थी ना कि मैं इसे देख सकती थी और ना ये मुझे। हम दोनों एक दूसरे के इतने बुरे दुश्मन बने थे। हम दोनों फ़ोन पे एक दूसरे को गालियां देते थे। ऐसा नहीं कि हमने अभी अभी एक दूसरे से प्यार करना शुरू किया है, हमने ये रिश्ता बनाया है। इसी के साथ कृतिका और पायल ने ये भी बताया कि कैसे लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ उनके मन में जहर भरा जिससे उनके रिश्ते में दरार आ गई। उन्होंने बताया कि हम दोनों के एक दूसरे के मन में लोगों ने इतना जहर घोल दिया था कि वो बोलते थे कि तेरे पति की दूसरी शादी हो रही है तो वो तेरा पति तुझसे छीन लेगी, इसका तो पति है तुझे दबा के रखेगी, ये वो, तुम दूसरी पत्नी हो, तुम पर हमेशा दूसरी बीबी का ठप्पा लगेगा, इसको अलग बातें बोली मुझे अलग। वो जो टाइम था ना और ये 1.5 साल तक चला। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन फिर चीकू के पापा पायल और मैं 2 दिन साथ बैठे रहे और सब कुछ बात करी क्या है क्या नहीं। तभी से हमें एहसास हुआ कि हमारे पास एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं है। फिर एक दूसरे के साथ सब कुछ सुलझा लिया, धीरे धीरे हमारा प्यार मजबूत होता गया और अब जो हमारा रिश्ता है ना वो बहुत मजबूत है। बात को ख़त्म करते हुए वहीं पायल कहती है कि अब ऐसा सीन है कि अरमान हमसे लड़ सकते हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट सेशन में बताएं और ऐसी ही अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे चैनल एप्स मीडिया के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।